तो इंडिया बनाम न्यूजीलैंड आईसीसी का टूर्नामेंट और फाइनली टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि टीम इंडिया आखिरी बार जो आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया था वह था साल 2003, यानी कि 20 साल बाद फिर से टीम इंडिया जीती है आईसीसी के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ। और इस महाजीत में टीम इंडिया की तरफ से कई बड़े हीरो रहे, लेकिन आज हम बात करेंगे टीम इंडिया का तीन हीरो जिनके वजह से टीम इंडिया यह मुकाबला जीती है। जो सबसे पहले और सबसे बड़ा हीरो है इस मुकाबले का वह है मोहम्मद शमी। कमाल के गेंदबाजी किए, उस वक्त गेंदबाजी की जब टीम इंडिया थोड़ा बहुत दबाव में थी क्योंकि डेरियल मिचेल शतक बनाकर खेल रहे थे, लेकिन बता दें कि मोहम्मद शमी ने कमाल का बॉलिंग की और 5 विकेट झटके इस मुकाबले में, जिससे टीम इंडिया को उसी वक्त थोड़ा बहुत बढ़त मिल चुका था। वहीं बात करें टीम इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरो है इस मुकाबले का, वह थे विराट कोहली। भले ही विराट कोहली शतक से चूक गए हैं, लेकिन यह शतक से भी कम नहीं है। बता दें कि जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त टीम इंडिया का एक वक्त 5 विकेट गिर गए थे, इसके बाद से गेंदबाज थे, वहां से रविंद्र जडेजा ने शानदार साझेदारी की और टीम इंडिया को कमाल का जीत दिला दिया। वहीं टीम इंडिया का तीसरा जो सबसे बड़ा हीरो थे वह थे रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छा शुरुआत दे रहे हैं। बता दें कि इस मुकाबले में भी ताबड़तोड़ शुरुआत दी है। बता दें कि रोहित शर्मा जो कि शानदार 40 बॉलों में 46 रन बनाए और टीम इंडिया से जो शुरू का दबाव था वह लगभग खत्म कर दिए थे रोहित शर्मा, जिसका फायदा हुआ कि विराट कोहली हो या फिर केएल राहुल या आखिर में रविंद्र जडेजा, जो कि आसानी से यह स्कोर को चेस कर दिए। बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक उतना चेस नहीं हुआ है, सिर्फ टीम इंडिया ही ऐसी टीम है कि लगातार चेस कर रही है। कई टीम बड़ी बड़ी टीमों को हारते हुए हम देखे हैं रन चेस करते हुए, तो टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस जारी है। 5 मुकाबलों में से 5 जीत चुकी है और टीम इंडिया सेमीफाइनल के करीब पहुंच चुकी है। तो आपको टीम इंडिया का यह परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।